नमस्कार दोस्तों हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया मोक 2021 में आपका स्वागत है मेरा नाम है विनीत सागर 26 जनवरी 2021 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है देख लेते हैं आगे जाने से पहले दोस्तों लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो जो क्वेश्चन नंबर वन ऑन द इवनिंग ऑफ सेवेंटी रिपब्लिक डे इंडियाड वन हंड्रेड एंड नाइनटीन पीपल फ्रॉम डाइवर्सिडर द्व आरक्ट वीडियो आई होप आपने आंसर किया होगा ना ऑप्शन बी टू ऑर् तो दोस्तों स्टेटमेंट वन एंड टू गलत है पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे देखो दोस्तों पत्मा अवार्ड्स के बारे में सुबह हर्षित सर ने कवर किया था न्यूज में मोटे मोटे पॉइंट जो मैं आपको बता देता हूं पत्मा अवार्ड्स मतलब दोस्तों तीन कैटेगरी में दिया जाता है देखो एक है पद्म विभूषण सबसे ऊपर है फॉर सर्विस फिर आता है पद्म भूषण सर्विस ऑफ हायर ऑर्डर फिर पद्मश्री डिस्टिंग सर्विस ठीक है द अवार्ड सीक्स टू recognize अचीवमेंट्स इन ऑल fields ऑफ एक्टिविटीज इसके लिए कोई पर्टिकुलर फील्ड नहीं है कोई भी फील्ड में कुछ डिस्टिंग सर्विस किया काम किया तो इसके लिए नॉमिनेट हो सकता है देखो दोस्तों ये सेल्फ नॉमिनेशन भी कर सकता है ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि दूसरा कोई नॉमिनेशन कर ले ठीक है अगर आपको लग रहा है मतलब कोई महत्व व्यक्ति को ये लग रहा है मैंने कुछ अच्छा काम किया डिस्ट्रीब्यूट सर्विस किया तो खुद भी नॉमिनेशन दे सकते हैं राइट अब देखो इसके लिए एक पामा अवार्ड कमेटी बनता है जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करता है इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान दीजिएगा और एक है भारत रत्न भारत रत्न एक्चुअली पद्म अवार्ड में नहीं आता है पर भारत रत्न जो है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द कंट्री है अगर देखा जाएगा तो सबसे ऊपर सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न भारत रत्न के के बाद आएगा अपना पद्म विभूषण ठीक है तो भारत रत्न सबसे पहले फिर पद्म विभूषण फिर पद्म भूषण फिर पद्मश्री ठीक है इस तरह है इसकी हर अब देखो रिकमेंडेशन ऑफ भारत रत्न आर मेड बाई प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया डेशन no फॉर भारत रत्न फॉर्मल रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है देखो दोस्तों और इंपॉर्टेंट पॉइंट है नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ थ्री इन पर्टिकुलर ईयर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है भारत रत्न जो है एक साल में मैक्सिमम तीन ही दिया जाएगा गवर्नमेंट हेज कन्फर्ड भारत रत्न अवार्ड ऑन फोर्टी फाइव परसेंट टेट ठीक है फोर्टी फाइव पैतालीस बंदों को दे चुका है अब देखो पदमा अवार्ड विच वे इंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1954 इज अनाउंस एवरी ईयर ऑन द ऑफ रिपब्लिक डे ठीक है तो हर साल रिपब्लिक डे में ये डिक्लेयर करता है 1954 से चलता आ रहा है पर दोस्तों बीच में 1978 में 1979 में और 93, 94, 95, 96, 97 इस इन सालों में पदमा अवार्ड कुछ कारण से दिया नहीं था अब हमारे क्वेश्चन पर आता है देखो दोस्तों स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है

द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा ना ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबो तीनों स्टेटमेंट सही है पहले हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों दोस्तों न्यूज आया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये डिसाइड किया है एडिशनल टैक्सेस इंपोज करने के लिए पुराने गाड़ियों में अब देखो ये टैक्स का नाम है ग्रीन टैक्स अंडर द ग्रीन टैक्स नोम्स ट्रांसपोर्ट ओल्डर विल बी विद द द ग्रीन टैक्स एट टाइम ऑफ ऑफ रिन्यूअल फिटनेस सर्टिफिकेट जब गाड़ी जो आठ साल पुरानी है उनमें पोल्यूशन ज्यादा होगा जो नही गाड़ी से तो आठ साल बाद जब ये फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यूअल करने के लिए आएगा ना तब ये टैक्स लगेगा और कितना लगेगा दस से पच्चीस परसेंट तक लगेगा किसका रोड टैक्स है जो हम रोड टैक्स देते हैं ना उसका दस से पच्चीस परसेंट तक गाड़ी टू तो गाड़ी डिपेंड करेगा ग्रीन टैक्स चार्ज करेगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स में कम लगेगा ग्रीन टैक्स और फार्मिंग सेक्टर में जो भी गाड़ियां यूज होता है ट्रैक्टर हार्वस्ट जैसे गाड़ी जो है इनमें यह ग्रीन टैक्स नहीं लेगा एक्सेमटेड है आप देखो दोस्तों ग्रीन टैक्स को पोल्यूशन टैक्स भी बोलते हैं एनवायरमेंटल टैक्स भी बोलते हैं एक्चुअली दिस इज एन एक्साइज ड्यूटी ऑन गुड्स दैट रिजल्ट्स इन एनवाटल पोल्यूटेंट्स इसको एक एक्साइज ड्यूटी की तरह आप मान सकते हो जो एनवामेंटल पोल्यूशन के लिए जो भी कारण होता है ना उनमें जो टैक्स लगता है ये है ग्रीन टैक्स बेसिकली दिस इज एन एक्साइज ड्यूटी ठीक है इंपॉर्टेंट है अब देखो दोस्तों दिल्ली जैसे सिटीज़ में एनवायरमेंटल कॉम्पनसेशन चार्ज करके सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में आई थिंक एक ऑर्डर पास किया था इस तरह की एक कॉम्पनसेशन चार्ज होना चाहिए एनवियोमेंटल कॉम्पनसेशन चार्ज करके पोल्यूटेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द तो व्हीकल साइज व्हीकल के साइज के ऊपर डिपेंडेड है वो जितना ज़्यादा साइज होगा उतना ज़्यादा कॉम्पनसेशन चार्ज लगेगा ये दिल्ली में आजकल चल रहा है 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया था फिर 2016 में आई थिंक दिल्ली गवर्नमेंट ने ये इंप्लीमेंट भी किया था तो ऑलरेडी इंडिया में दिल्ली में है ये अब देखो दोस्तों हमारे स्टेटमेंट क्या कह रहा है एडिशनल टैक्स विच इज बिंग इम्पोज इज कॉल्ड ग्रीन टैक्स बिल्कुल सही टैक्स नॉर्म्स के अंदर ट्रांसपोर्ट विल बी चार्ज विद ग्रीन टैक्स एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट बिल्कुल सही इन इंडिया एनवायरमेंटल कॉम्पेंसेशन चार्ज इज इम्पोज ऑन पोल्यूटेंट्स डिपेंडिंग अपॉन द वहीस ये हंड्रेड परसेंट सही नहीं बोल सकता इंडिया में डेली में है ठीक है स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है फिर भी सही मान सकते हैं क्योंकि इन इंडिया लिखा है इंडिया में डेली में तो है तो तीनों स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है क्वेश्चन नंबर थ्री अरेंज द फॉलोइंग इंटरनेशनल एनवाइ एग्रीमेंट्स और कॉन्फ्रेंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा वीडियो पोस्ट करके नीस ऑप्शन टू फोर थ्री वन इसका मतलब है सबसे पुराना है मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिर आता है क्योटो प्रोटोकॉल फिर आता है पैरिस एग्रीमेंट फिर सी पी टू सिक्स अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों सबसे पहला पैराग्राफ आप देख लीजिए एक न्यूज़ आया था एक्चुअली हमारे क्वेश्चन से इतना रिलेटेड नहीं है फिर भी आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन है देखो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट टू जो नैदरलैंड में हुआ था ऑनलाइन हुआ था बेसिकली तो इसमें एक स्पीच दिया था स्पीच में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट थिंग बोला है कि इंडिया विल टारगेट 450 फिफ्टी जिट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2030 2030 तो तक इंडिया का टारगेट है 450 ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएट करना ही दैट इंडिया इज प्रमोटिंग एलईडी लाइट एंड इज ऑल्सो सेविंग 38 एट मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर ईयर दोस्तों मैंने आपको बार बार बताया है इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप कोट कोट कर सकते हो आपके मेंस के पेपर में देखो क्या लिखा है एल ई डी लाइट्स गवर्नमेंट का एक पॉलिसी है एल ई डी लाइट्स आजकल प्रोवाइड करते हैं सारे घर में ये बिजली बचाता है और थर्टी एट मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन पर ईयर है इसको बचाता है इंडिया एल ई डी लाइट्स इस्तेमाल करने से एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है इसको आप यूज़ कर सकते हो देखो इन्होंने और भी कुछ बोला बाई टू थाउजेंड थर्टी इंडिया विल रिस्टोर ट्वेंटी सिक्स मिलियन हैक्टेस ऑफ डिग्रेडेड लैंड ठीक है तो छब्बीस मिलियन हैक्टेर लैंड डिग्रेडेड लैंड जो है वो भी रिस्टोर करेगा बोला है दो तो सड़तीस तक अब एक बार देख लेते हैं हमारे कोसिन में जो भी प्रोटोकॉल थे सबसे पहला क्योटो प्रोटोकॉल ये 97 में अडोप्ट किया था और केम इन टू ऑन टू ये बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को रिड्यूस करने के लिए था मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल तो इंपॉर्टेंट है ये एनवियोमेंटल प्रोटोकॉल सब्सटेंसेज दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर ओडी एस ओडीएस मतलब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इसके बारे में एक बार मैंने बताया था तो मेन आइटम कौन कौन सा है एक एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे ए सी यूज करने से रेफ्रिजरेटर यूज करने से जो एमिशन होता है तो ये ओजोन लेयर में जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर है इसको डिप्लीट करता है ठीक है तो इसके अगेंस्ट या इसके लिए एक प्रोटोकॉल था मोन्ट्रिल प्रोटोकॉल मतलब ओजोन लेयर को बचाने के लिए फिर आया था पैरिस एग्रीमेंट पैरिस एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विद इन द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यू एंड एफ ट्रिपल सी ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पैरिस एग्रीमेंट पैरिस एग्रीमेंट किसके लिए था बेसिकली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस मिटिगेशन अडेप्टेशन एंड फाइनांस साइन इन टू ये इंपॉर्टेंट है दो हजार में साइन हुआ था अब देखो दोस्तों पैरिस एग्रीमेंट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है एक लॉन्ग टर्म टेम्परेचर गोल है टू कीप द इंक्रीज इन ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर टू वेल बिलो 200 हंड्रेड सॉरी टू डिग्री सेल्सियस मतलब ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर रेस होता जाता है ठीक है हर साल थोड़ा बहुत बढ़ता है इसको दो डिग्री के अंदर रखना है ये पैरिस एग्रीमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था आप मुझे ये बताइए कौन सा ऐसा देश था जो पैरिस एग्रीमेंट से विड्रॉ हुआ था एक दो साल के अंदर 2021 हजार इक्कीस यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इज ऑल्सो नो ना सी पी टू सिक्स देखो दोस्तों जो सी पी टू सिक्स है ना वैसे सी पी टू फाइव टू फोर टू थ्री करके हर साल होता है दो हज़ार इक्कीस का जो है सी पी टू सिक्स है ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस को ही बोलते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म है बेसिकली सी पी बोलते हैं इसको इट इज़ द ट्वेंटी सिक्स यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस इट विल भी हेल्डिंग ग्लास्को तो दो हजार इक्कीस का जो सी पी टू सिक्स होने वाला है ये कहाँ हो रहा है स्कॉटलैंड में बेसिकली इसको इंग्लैंड होस्ट कर रहे हैं तो स्कॉटलैंड में ग्लासगो जगह में अब हमारे क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल ही गया था आई होप आपको समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर फोर रिसेंटली इंडियन एंड चाइनीज चाइनीस एंगेज इन ए टेम्पर एंड शॉर्ट ड्यूरेशन फेस ऑफ अलॉन्ग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल एट नाकुला सिक्किम विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए इट वॉज डेसिग्नेटेड आज एल आई सी यही गलत है दोस्तों क्योंकि ये जो स्टेटमेंट एल के बारे में है ठीक है 1972 में डेसिग्नेट किया था फॉलो इंग द शिमला एग्रीमेंट और तब के इंडियन आर्मी के डी और पाकिस्तान आर्मी के डी दोनों ने मिलकर साइन किया था और एक मैप मैप में साइन किया था बेसिकली एल का बाकी तीनों स्टेटमेंट जो है एल के बारे में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बारे में वो सही है एक बार एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है इंडिया एंड चाइना को चाइना के बॉर्डर्स में है लेंथ ऑफ एल क्या है इंडिया के हिसाब से थ्री थाउजेंड फोर हंड्रेड एट्टी एट किलोमीटर है पर चाइना वाले मानते नहीं वो है वो लोग बोलते हैं ओनली टू थाउजेंड किलोमीटर है जो भी है उनको बोलने दो अब देखो एल आ सी जो है थ्री सेक्टर में बांटा जाता है ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम में है वन थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड फोर्टी सिक्स किलोमीटर है मिडिल सेक्टर उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश एल आई सी में जो सबसे कंपेरेटिवली पीस एरिया मिडिल सेक्टर है जो उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में है वेस्टर्न सेक्टर जो है लद्दाख में है वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी सेवन किलोमीटर जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम चलता है गैलवन वाली में लेक के बारे में आपको बताइए साइड में है ना जो अरुणाचल प्रदेश में, है, ये 1914 में जो मैकमोहन लाइन बना था ना उससे मिलता है अब देखो मैकमोहन लाइन के बारे में एट नाइनटी किलोमीटर मैकमोहन लाइन सेपरेटिंग द ब्रिटिश इंडिया एंड तिबेट तब के ब्रिटिश इंडिया और तिब्बत को सेपरेट किया था मैकमोहन लाइन एट नाइनटी किलोमीटर का है नरी मैकमोहन एट द चाइना कन्वेंशनटीन फोर्टीन में जो चाइना तिबेट ब्रिटेन शिमला कन्वेंशन हुआ था तब मैकमोहन लाइन लागू हुआ था अब देखो दोस्तों हमारे स्टेटमेंट में एक बार चलता है स्टेटमेंट बी क्या कर रहा है एल आई सी वॉज नॉट म्यूचुअली एग्रीड अपोन बिकॉज ऑफ आर एंटेड विदिलेट्रल सी बाई चाइना दोस्तों एल आई सी जो है म्यूचुअली एग्रीड अपोन नहीं था ठीक है चाइना और इंडिया ने ठीक से माना नहीं था क्योंकि जब चाइना ने इंडिया को अटैक किया था और चाइना ने खुद यूनिलैटरली सीज सीजफेयर किया था इसलिए कुछ ठीक से कर नहीं पाया म्यूचुअली एग्रीमेंट इसलिए स्टेटमेंट सही हो जाता है इंडिया कंसिडर्स एल आई सी टू बी थ्री फोर एट एट किलोमीटर ये मैंने बता दिया बिल्कुल सही है अलाइनमेंट ऑफ एल आई सी इन द ईस्टर्न सेक्ट्रीज अलॉन्ग द नाइनटीन फोर्टीन मैकमोहन लाइन ये भी सही है तो दोस्तों वाई से हम एलिमिनेट कर सकते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा ये गलत है तो आप आराम से इसको आंसर कर सकते हो राइट क्वेश्चन नंबर फाइव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ विच आर करेक्ट वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए आई होप आपने आंसर किया होगा नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी टू एंड थ्री ओनली स्टेटमेंट वन गलत है सबसे पहले हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे इसके बाद हम क्वेश्चन पर आएंगे दोस्तों नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ एक स्टैट्यूटरी बोर्ड है 2003 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ था अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 दोस्तों जो एक न, ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अक्सर न्यूज में आता रहता है इससे रिलेटेड कोई एक न्यूज अब एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है एन जो है चेयर करता है प्राइम मिनिस्टर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोशन ऑफ कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट तो वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट से रिलेटेड कुछ भी है ना इसके लिए टॉप अथॉरिटी बन जाएगा नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ऑब्बियस ही बात है क्योंकि यह प्राइम मिनिस्टर चेयर करता है ठीक है ये बोर्ड एडवाइजरी नेचर है एंड कैन ओनली एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन पॉलिसी मेकिंग फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ तो बेसिकली इसकी जो एडवाइजर्स है या रिकमेंडेशन है बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर एक एडवाइजरी नेचर है ठीक है इट इज एन इंपॉर्टेंट बॉडी बिकॉज इट सर्वस एन अपक्स बॉडी देखो सबसे टॉप बॉडी है वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो भी मैटर्स है टॉप बॉडी तो होना ही है क्योंकि इसको चेयर करता है कौन प्राइम मिनिस्टर फॉर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट्स इन एंड अराउंड नेशनल parks एंड सेंचुरीज जितनी भी इंडिया में नेशनल पार्क्स हैं या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है से, इसके अराउंड या इन अंदर या बाहर कोई भी प्रोजेक्ट आना ना तो इसका अप्रूवल लेना जरूरी है स्टैंडिंग कमिटी है कि इसके नीचे वो चेयर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवियमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अपना प्रकाश जावदेकर जी है मेरे हिसाब से तो ये स्टैंडिंग कमेटी को हेड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवियमेंट ठीक है और स्टैंडिंग कमेटी क्या अप्रूव करते हैं ऑल प्रोजेक्ट्स फॉलिंग विद इन द प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज और विद इन टेन किलोमीटर ऑफ दम ठीक है प्रोटेक्टेड वाइल्ड लाइफ एरियाज जितने भी है और इसके दस किलोमीटर आसपास जितने भी प्रोजेक्ट्स है उसको अप्रूव करता है स्टैंडिंग कमेटी जो एनवायरमेंट मिनिस्टर चेयर करता है अब हमारा क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट्स में आता है पहला क्या लिखा है अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन गलत है क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन ठीक है ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पे आया है बॉडीज एडवाइजरी नेचर एंड कैन ओनली एडवाइज द गवर्नमेंट बिल्कुल सही एनबीडब्ल्यू बी डब्लू डिज प्राइम मिनिस्टर एंड इज रिस्पांसिबल फॉर आंसो बिल्कुल सही राइट right? तो दोस्तों हमारे डेली फाइव मॉक क्वेश्चंस फॉर फिल्म इधर खत्म हो रहा है कल मैंने क्वेश्चन पूछा था भवानी तलवार से रिलेटेड आंसर इज छत्रपति शिवजी आज का क्वेश्चन देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया हेज शॉर्टेस्ट कॉस्ट लाइन इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो दोस्तों हमारे वीडियो में इधर वाइंडअप कर रहा हूँ मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे से कुछ सीखने को मिल रहा है वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिएगा दोस्तों लेक्चर की पीडीएफ एस स्यूशल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय हैव है नाइस डे